सो क्या हो रहा है, लाइट गिर रही है, भागम दौड़ी मच रही है, तो हुआ क्या है? सो बेसिकली राधिका और आस्था का एक कलेक्टिव प्लान है जिससे उन दोनों को फाइंड आउट करना है कि शिव हम दोनों में से किसको प्यार करता है. तो हम लोग एक प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं कि घर के बाहर हम दो पोल्स लगाएंगे जिसके एक के सामने आस्था खड़ी रहेगी और एक के सामने राधिका. और लेकिन मुझे लगा इसमें एक ट्विस्ट हो सकता है कि शायद एंड में आप लोगों को ये पता चले कि शिव का तो पता नहीं, राधिका और आस्था एक दूसरे से प्यार करते हैं. दैट इज फॉर श्योर, ये हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है. ऑफ कैमरा तो ये है फॉर श्योर, ऑन कैमरा भी हो सकता है. तो जब शिव इन्हें बचा रहा है तो आस्था के मन में क्या चल रहा है, आस्था कैसे रिएक्ट करेगी? आस्था को ऑब्वियसली बहुत बुरा लग रहा है, बहुत इमोशनली हर्ट है. उसको समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हुआ, इसको बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ऐसा होएगा. तो बस फिर वो बाद में जानने की कोशिश करती है शिव से. उसके मज़े राधिका ज़रूर लेती है, बट बिकॉज द मोटिव इज़ कि शिव उसे बचाए. तो अब आगे आप देखिए फिर क्या होगा. राधिका के मन में तो लड्डू फूट रहे हैं. हम यहाँ एक सीक्वेंस शूट कर रहे हैं जहाँ पे आस्था ने दो लाइट पोल्स रखे हैं, यानी आस्था और राधिका की प्लानिंग है. तो आस्था को बेसिकली देखना है जब पोल गिरता है तो शिव किसे बचाता है, राधिका को कि आस्था को. तो कोइंसिडेंटली सिचुएशन ऐसी होती है कि आस्था उस पोल से दूर होती है एंड मुझे देखने पर राधिका उस पोल के पास चली जाती है, जो कि मैं नोटिस नहीं करता. तो मेरी नज़रों के हिसाब से पोल राधिका के ऊपर गिरने वाला होता है और आस्था सेफ होती है, तो मैं जाके राधिका को बचा लेता हूँ. तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं, आस्था का शक यकीन में बदल जाता है कि मैं राधिका से प्यार करता हूँ और इसलिए मैंने उसे बचाया. तो उसके बाद पूरा ड्रामा है, तो देखते हैं कैसे अनफोल्ड होता है. बस यही चल रहा है और इसके बाद देखते हैं, अब शिव दोनों जगह फंस गया है, अब आगे कैसा ड्रामा है, कैसे चीज़ें अनफोल्ड होती हैं, कैसे मैं उसे कन्विंस करता हूँ, वो कन्विंस होती है या नहीं होती है, ये देखने के लिए, ये जानने के लिए आप देखिएगा सहसीवी 1:30 बजे स्टार प्लस पर मंडे टू सैटरडे. थैंक यू.